बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। ईद उल मुबारक की आमद है। इस सिलसिले में आज बनेगी पिशावर की मशहूर फेमस चरसी मटन कढ़ाई मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिशावरी चरसी मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप घी, क्योंकि घी में बनाते कढ़ाई ज़बरदस्त बनती है, और तकरीबन 2 किलो मटन का गोश्त है। अब मटन डाल के कढ़ाई के अंदर तकरीबन इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे कि गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, और तेज़ आंच पे बनाना है इसको बिल्कुल फुल आंच पे। फाइव टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट करेगा। इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तकरीबन 5 मिनट और अच्छी तरह भुनेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह भुन जाए। बिस्मिल्लाह, देखिए 5 मिनट के बाद लहसुन अदरक पेस्ट के साथ गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी रख के इसको हम 35 मिनट तक पकाएंगे। अब इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे 35 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें पिशावरी मटन कढ़ाई को चेक करते हैं। ज़बरदस्त, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट मैंने पकाया है, और फिर पानी डालने के बाद तकरीबन बीच बीच में से इसको चेक कर लिया है, क्योंकि अगर चेक नहीं करता ना गोश्त बीच में लग ना जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, नमक जाएगा आपके टेस्ट पर। अच्छा, देखिए 2 किलो गोश्त था, इसमें तकरीबन मैंने 1/2 किलो के करीब टमाटर डाले हैं, और टमाटरों को इस तरह कट करना है 2 पीसेस में। हाँ दोस्तों, देखिए तकरीबन 1/2 किलो से 3 पाव ये टमाटर हैं। अब इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए टमाटर माशाल्लाह से गल गए। अब इसका जो स्किन है निकाल लेंगे, सारी स्किन रिमूव कर लेंगे, क्योंकि स्किन अगर मुँह में आती है तो अच्छा नहीं लगता है। ये ईद उल फितर के लिहाज से बनाई जा रही रेसिपी, ताकि आप लोग अच्छे से ईद को इन्जॉय करें। पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त, देखिए स्किन सारी रिमूव करके टमाटरों को इस तरह मैंने मसल दिया है, मैश कर दिया है, ताकि अच्छे से मैशी हो जाए। अब इसके अंदर तकरीबन 1/2 पाव से ज़्यादा बड़ी मिर्ची, पहाड़ी मिर्ची होती है, ऐड करेंगे, और इसको इस तरह पीसेस करके कट करना है। ज़बरदस्त, इसको तेज़ आंच पर पकाना है कंटिन्यू, क्योंकि गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है, इसे भुनाई बाकी है। इसे अब ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून भर के। हाँ दोस्तों, देखा इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होते, बिल्कुल सिंपल लिखने से रेसिपी में बस यही स्पाइसेस जाते हैं। उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आप बोलेंगे ज़बरदस्त, क्या पिशावरी मटन कढ़ाई बनी है। इसमें भुनाई करेंगे तेज़ आँच पर जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त माशाल्लाह से मटन पिशावरी मटन कढ़ाई रेडी है। ज़बरदस्त, देखिए क्या लुक आया है, इतना ज़बरदस्त कलर आया है, और टेस्ट भी इंशाल्लाह श्योर बड़ा ज़बरदस्त होगा। हाँ दोस्तों, अब पिशावरी मटन कढ़ाई को मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ दोस्तों, देखिए पिशावर की मशहूर चरसी मटन कढ़ाई रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिला।